assalamu alaikum students uh, today is your fifth lecture of computer science we have started uh, chapter number 3 data communication and previous lecture in previous lecture we have studied about uh, data components of data and uh, formation of analog signals and digi digital signals and their properties and how they work टुडे वी विल स्टारी अबाउट डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड ट्रांसमिशन मॉड्स ऑफ डेटा अबाउट डेटा यू स्टार्ट इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया था कि डेटा जो है दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ अफैक्ट एंड फिगर्स आप जो भी कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक योर एडमिशन फॉर्म्स है कलेक्टेड इन द कॉलेज फॉर द एडमिशन और सैंसस के दौरान एक एक घर में जाके अगर डेटा इकट्ठा किया जा रहा होता है टीम्स इकट्ठा कर रही होती हैं या कोई भी डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा होता है दैट इज़ अ रॉ डेटा मतलब उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ वो एक रॉ डेटा है एंड लेटर ऑन दिस रॉ डेटा जो है दैट इज़ इन कन्वर्टेड इंटू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड लेटर ऑन इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जा रही होती है तो डेटा इज़ नथिंग वन इट इज़ इन रॉ फॉर्म एंड इट इज़ मीनिंगफुल वन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू इंफॉर्मेशन

Uh, जो भी आपके पास रिटर्न में कुछ भी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स है अल्फाबेट्स हैं इसमें कोई करेक्टर्स आ जाते हैं स्पेशल करेक्टर जस्ट लाइक स्टार हाइफन डॉलर साइन एम्पोसैंड दिज ऑल आर स्पेशल करेक्टर्स तो ये सब टेक्स्ट डेटा की टाइप्स हैं और नॉर्मली टेक्स्ट डेटा जो है ये आज की फॉर्मेट में स्टोर किया जा रहा होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ASCII जो है ये 7 बिट का भी होता है एट बिट का भी है तो ये कोड है फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट तो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट डेटा जो है दे आर गिवन इन दिस स्लाइड जिनमें मोहम्मद उमर आई लव पाकिस्तान फाइव सैटेलाइट टाउन सर गोदा दीस आर ऑल फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट डेटा अच्छा टाइप ऑफ डेटा इज द न्यूमेरिक डेटा एंड इट कन्जिस्ट ऑफ नंबर्स इसमें डिजिट्स आ जाते हैं जीरो टू नाइन पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हैं और डेसिमल पॉइंट जिसको इशारिया बोलते हैं वो आ जाता है अच्छा नुमारिक डेटा जो है पॉजिटिव uh, भी हो सकता है नगेटिव भी हो सकता है अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ साइन देना ज़रूरी नहीं है आप अगर डेटा को वैसे भी लिखते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव डेटा अच्छा सेकेंड टाइप जो इस नुमैरिक डेटा जो है इसके आगे कुछ फर्दर टाइप्स हैं इंटीजर डेटा रियल डेटा इंटीजर में होल नंबर्स आते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं रियल डेटा जो है एट कंजेस्ट वैल्यूज डेसिमल पॉइंट इशारिया फ्रैक्शन के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो रियल डेटा कहला रही होती हैं इसके अलावा डेटा की जो एक और काइंड है दैट इज इमेज डेटा और इमेज डेटा जो है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट पैटर्न्स चार्ट्स आ गए ग्राफ्स पिक्चर्स ड्राइंग्स मैप्स ये सब इमेज डेटा कंसिडर होते हैं और कंटीज़ बिट की सूरत में डेटा सेंड किया जा रहा होता है उसके अलावा डेटा ऑडियो डेटा होता है दैट ऑफ म्यूजिक स्पीच या कोई और साउंड जो है वो ऑडियो डेटा है एंड दे आर कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स अच्छा क्योंकि कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स हैं एनालॉग फॉर्म है तो uh, ये पहले डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है दैन कंप्यूटर में स्टोर होता है और जब आपने इसको लिसन करना होता है अगेन इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड देन वी कुड डेटा फिफ्थ वन डेटा टाइप इज वीडियो डेटा एंड इट कन्जिस्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स और मूवी फाइल्स और नॉर्मली वीडियो कैमराज मूवी कैमराज जो हैं उनके थ्रू वीडियो डेटा जो है वो डेवलप किया जा रहा होता है डेटा कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके लिए बिट्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स हैं मैं आपको एक नॉर्मली शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ ऑल्दो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर स्मार्ट सिलेबस अच्छा एनकोडिंग ऑफ डेटा से मुराद ये है कि डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना और कुछ कोडिंग स्कीम्स हैं जिनमें बी सी डी आस्की और यूनिकोड है बी सी कोड बी सी डी कोड फोर बिट का कोड होता है और ये uh, पुराने कंप्यूटर्स में था अब यूज़ नहीं हो रहा इतना एपसडिक जो है एट बिट का कोड है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है आस्की कोड नॉर्मली हम पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं सेवन बिट का भी आजकी है एट बिट का भी है बट पूरे लैंग्वेज ऑल द लैंगवेज़ जो हैं वो दे आर नॉट सपोर्टेड इन दिस आस्की कोड इसलिए यूनिकोड जो है अब वो यूज़ किया जा रहा है सिक्सटीन बिट का कोड है और मोर देन सिक्सटी फाइव थाउजेंड वर्ड्स को सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेज हैं ये यूनिकोड में कवर हो जाती हैं जी डेटा ट्रांसमिशन मॉड्स हमने स्टडी करने हैं कि जब डेटा कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो किस वे में वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता है अच्छा डेटा डेटा कम्युनिकेशन मॉड या डायरेक्शनल मॉड हम जिसको कहते हैं इट इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि डेटा जो है वो किस तरह इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रही है बेसिकली थ्री टाइप्स हैं डेटा ट्रांसमिशन मॉड्स की सिम्प्लेक्स मॉड हाफ डुप्लेक्स मॉड एंड थर्ड वन इज़ फुल डुप्लेक्स मॉड अच्छा सिम्प्लेक्स मॉड जो है इसमें वन वे ट्रांसमिशन है ओनली वन डायरेक्शन में डेटा जाएगा सेंडर जो है दैट ऑलवेज सेंड डेटा रिसीवर जो है इट ऑलवेज रिसीव डेटा सेंडर डेटा सेंड नहीं कर सकता रिसीवर डेटा सेंडर डेटा सेंड करता है रिसीव नहीं कर सकता और रिसीवर जो है वो हमेशा डेटा रिसीव करता है वो सेंडिंग पोजिशन में नहीं होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर से हमेशा प्रिंटर को कमांड देते हैं प्रिंट की कंप्यूटर प्रिंट नहीं करता हमेशा प्रिंटर को कमांड देता है प्रिंटर हमेशा प्रिंट करेगा कंप्यूटर को कमांड नहीं दे सकता है इसी तरह से जो ब्रॉडकास्ट है रेडियो की आप रेडियो की फ्रिक्वेंसी ट्यून करके सुन सकते हैं और टीवी के की ब्रॉडकास्ट है आप टीवी के चैनल के ऊपर सेटिंग करके उस फ्रीक्वेंसी की और आप टीवी की ब्रॉडकास्ट ले सकते हैं बट ये सिर्फ टी हमेशा रिसीवर होगा ब्रॉडकास्ट हमेशा जो है वो किसी एंटीना के थ्रू आ रही होगी अच्छा इसमें सिम्प्लेक्स मॉड जो है इसमें uh, कोई रिक्वेस्टिंग नहीं है कोई एक्नोलिजमेंट नहीं है एक सबको सेंड कर दिया जाता है और जिस जिसने रिसीव करना होता है उसको रिसीव कर सकता है कोई कंफर्मेशन या एक्नोलेजमेंट नहीं आती है और कुछ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे यूज़ होता है लाइक टीवी ब्रॉडकास्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इनके लिए यूज़ हो रहा होता है नॉर्मली सिंप्लेक्स मॉड दैन हाफ डप्लेक्स मॉड जो है इसमें ईच साइड सेंडल और रिसीवर होती है जो डेटा सेंड करता है वो रिसीव भी कर सकता है बट सेंडर जो है जब डेटा सेंड कर रहा है तो एट अ टाइम वो सेंड करता है उस टाइम पे वो रिसीव नहीं कर सकता वो रिसीवर नहीं हो सकता है तो डेटा फ्लो जो है वो बोर्ड डायरेक्शन में है लेकिन एट अ टाइम इट इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन एक एंड अगर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरा हमेशा रिसीव कर रहा होगा और अगर दूसरा रिसीव कर रहा है सेंडिंग कर रहा है तो पहला हमेशा रिसीव कर रहा होगा जस्ट लाइक like, कि अगर हमारे पास एक ऐसा ब्रिज है जिसमें से ट्रैफिक जा रही है तो एक ही कार एट अ टाइम पास हो सकती है तो उस वक्त दूसरी जो है वो अदर एंड पे खड़ी होगी और उसको रिसीव कर रही होगी इंटरनेट ब्राउजिंग जो है आप सर्फिंग करते हैं वेबसाइट्स को आप वेब एड्रेस जो है उसको टाइप करके एंटर करते हैं और देन वेबसाइट आपके सिस्टम पर लोड हो रही होती है तो वेब सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है फिर आपको डाटा सेंड कर रहा होता है तो ये वन टाइम जो है वो ऐसे काम हो रहा होता है एक टाइम पे यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो सेंडर है जब वेबसाइट उसके सिस्टम पे लोड हो रही है तब वो डाटा रिसीव कर रहा है इस टाइम पे वो रिसीवर है एक और इसकी एग्जांपल जो है वो वॉकी टॉकी है कि जब आप बोल रहे होते हैं वॉकी टॉकी में तब आप सुन नहीं सकते हैं और जब आप सुन रहे हैं उस टाइम पर आप बोलने की पोजिशन में नहीं दूसरा बोल रहा होता है थर्ड एक और टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है दैट इज़ फुल डुप्लेक्स मॉड जैसे हमारे टेलीफोन्स हैं मोबाइल्स हैं फुल डुप्लेक्स हैं अच्छा डेटा जो है दोनों डायरेक्शन में एट अ टाइम फ्लो कर रहा होता है एट अ टाइम सेंडर एंड रिसीवर दोनों का काम किया जा रहा होता है सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है हमारा जो टेलीफोन है पी टी सी एल फोन कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें दो पर्सन एट अ टाइम बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं उसके अलावा जो हमारी ऑटोमोबाइल uh, ट्रैफिक है रोड्स के ऊपर टू लेन वाली रोड के ऊपर वो भी हम कहते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जा रही है इसकी एक एग्जाम्पल है तो फुल डुप्लेक्स जो है एट अ टाइम इसमें बोर्ड डायरेक्शन में जो है वो डेटा जो है वो फ्लो कर सकता है तो ये थ्री टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मॉड्स जो हैं हमने स्टडी किए सप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स सिम्प्लेक्स ओनली वन वे है हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरह से सेंडिंग एंड रिसीविंग हो सकती है हर एंड पे लेकिन जब एक दफ़ा एक सेंडर है उस टाइम पे वो रिसीवर नहीं हो सकता बट फुल डुप्लेक्स मॉड जो है इसके अंदर दोनों फ्लो ऑफ डेटा हैं यानी हर साइड uh, जो है एट अ टाइम सेंडर और रिसीवर हो सकती है तो ये हमने जो है थ्री मॉड ऑफ तो डेटा आज स्टडी किए हैं और अगर आपको तो कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन द ग्रुप आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर थैंक यू